नमस्कार, नियर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुता सिंह। वक्त उछला अच्छी खबरों का, तो आइए देखते हैं अच्छी खबर। श्री गिरिराज महाराज महाविद्यालय के संस्थान केपीएस महाविद्यालय मुड़ेसी के छात्र छात्राओं ने शनिवार को कृष्णानगर क्षेत्र में कोरोना से बचने के लिए एक जन जागरूकता रैली निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह जन जागरूकता रैली कृष्णानगर चौराहे से लेकर गोवर्धन चौराहे होते हुए गिरिराज महाराज कॉलेज तक निकाली गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता और सिटी हॉस्पिटल के एमडीए डॉक्टर गौरव भारद्वाज और बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुनील चतुर्वेदी के द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर गिरिराज महाराज कॉलेज के चेयरमैन आशुतोष शुक्ला, वाइस चेयरमैन आदित्य शुक्ला के द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का बुके देकर एवं पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता व अन्य अतिथियों के द्वारा बताया गया कि यह रैली जन जागरूकता के उद्देश्य से निकाली जा रही है कि हर व्यक्ति घर से जब निकले तो मुंह पर मास्क लगाकर ही निकले और हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखे। जैसे जैसे कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो आम जनमानस इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सभी को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जो कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको जागरूकता लोगों को करने के लिए ये आज रैली का आयोजन गिरिराज महाराज स्कूल अपना कॉलेज के सौजन्य से ये हो रहा है, जिसके चेयरमैन आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी और भाई आदित्य जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में जन जागरूकता जो फैलाई जा रही है, क्योंकि तो रोड पर एक स्लोगन लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों को खुद सावधान रहना है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली दुर्घटना घटेगी। देखिए, गिरिराज लॉ कॉलेज से के छात्रों और वहाँ के प्रशासन के द्वारा कोविड-19 को लेकर जागरूकता एक अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके क्रम में उनके द्वारा आज एक रैली का आयोजन किया गया है। जो रैली निकाल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ, तो ये एक अच्छी पहल है। और उसका जो संदेश है लोगों के लिए वो यही है कि इस कोविड-19 का पेंडेमिक, देखिए सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है और जनपद मथुरा में भी 2 दिन से लगातार 100 से ऊपर केस जा रहे हैं, और उनको रोकने के लिए, इन केसों को रोकने के लिए अति आवश्यक है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए और उसमें मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो हाथ धोने की प्रक्रिया है, जो साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया है, उसका पालन करें। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई है और इस दूसरी वेव का मुख्य कारण लोगों की घोर लापरवाही है। इस लापरवाही को जब तक हम नहीं सुधारेंगे, यदि तो ये कोरोना की जो दूसरी वेव है बहुत ज़्यादा पहली से भी ज़्यादा घातक होगी। इसी संदर्भ में आज गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थान केपीएस कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा ये कृष्णानगर क्षेत्र में लोगों को कोविड जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। ये गिरिराज महाराज कॉलेज की तरफ से जो है, आदित्य शुक्ला जी की तरफ से, ये जो कोरोना महामारी का जो सेकेंड दौर आया है और ये काफ़ी बड़ा रूप ले रहा है, जैसा कि हम रिपोर्ट में देख रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता सर हैं, अपने कृष्णानगर क्षेत्र के चौकी इंचार्ज राजीव गुप्ता जी हैं, बार एसोसिएशन सेक्रेटरी अपने सुनील चतुर्वेदी जी हैं। तो इन्हीं सबके द्वारा एक मैसेज दिया जा रहा है, हम सबके द्वारा, कि इसमें जो है विशेष चीज़ का ध्यान रखें और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका भी ध्यान रखें, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, विशेष ज़रूरत होने पर घर से बाहर निकलें।